नमस्कार। राजस्थान में अभी तक नहीं हो पाया है मंत्रिमंडल का गठन। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का आया बड़ा बयान, किसी झटके से कम नहीं होगा सीपी जोशी का बड़ा बयान। राजस्थान में 27 दिसंबर को मंत्री लेंगे शपथ, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुट का क्या होगा? राजस्थान में मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया है। जोशी ने कहा है कि अभी छोटा मंत्रिमंडल आएगा, इसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। मतलब साफ है कि छोटा मंत्रिमंडल में अनुभवी और दिग्गज नेताओं को जगह कम मिलने की संभावना बताई जा रही है। सीपी जोशी ने कहा कि अभी एक छोटा मंत्रिमंडल बनेगा जिसके बाद में जिसका आगे विस्तार किया जाएगा, साथ ही मंत्रिमंडल में सभी वर्गों को जगह दी जाएगी। राजस्थान में नए मंत्रिमंडल गठन को लेकर पिछले कई दिनों से विधायक लगातार जयपुर से लेकर दिल्ली तक अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। उनके लिए भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी का ये बयान किसी झटके से कम नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि वे अपने पहले मंत्रिमंडल गठन में छोटा मंत्रिमंडल होगा और इसके बाद में उसको फिर से विस्तार किया जाएगा। छोटा मंत्रिमंडल में आखिर किस किस इलाकों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, किन वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, इस बात पर भी सभी की निगाह टिकी हुई है। और आखिरकार मंत्रिमंडल में क्या युवा विधायकों की लॉटरी लगेगी या नहीं, यह भी देखना होगा। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुट के जो विधायक हैं उनका क्या होगा, उनको कितना महत्व दिया जाएगा, यह भी देखने वाली चीज होगी। वहीं पुराने मंत्रियों का क्या होगा, उनको फिर से मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, ऐसे तमाम सवाल हैं जो सीपी जोशी के बयान के बाद में तेज हो चुके हैं।